अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की आम खबर से आपको आगाह करें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन नवाज शरीफ ने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया है। उन्होंने बरतानिया में रहते हुए ये सआदत हासिल की है। जैद हुसैन नवाज ने ट्विटर पर अपने खत्म कुरान की तकरीब की वीडियो शेयर की है, जिसमें वो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तलावत कलाम पाक की सआदत हासिल कर रहे हैं। जैद हुसैन ने कहा है कि उनकी दादी कुलसूम नवाज मरहुमा ने उनके लिए दुआएं की, जिसकी बदौलत आज वो इस मंजिल पर पहुंचे हैं। जैद के हिफ्ज कुरान करने पर उनके वालिद हुसैन नवाज ने इन्हें मुबारकबाद दी और इन्हें हाफिज कुरान बनने के बाद आयद होने वाली जिम्मेदारियों से आगाह किया। इस सआदत के साथ आपका किरदार भी मिसाली होना चाहिए। अल्लाह ताला आपके हर कदम पर आपकी हिफाजत, हदायत और मदद फरमाए। जैद हुसैन की फुप्पी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी अपने भतीजे को हिफ्ज कुरान की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी है और कहा है कि आज जन्नत में मौजूद दादी अपने पोते की वजह से बहुत मसरूर होंगी। व्यूअर्स, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन नवाज शरीफ ने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया है। उन्होंने बरतानिया में रहते हुए ये सआदत हासिल की है। जैद हुसैन नवाज ने ट्विटर पर अपने खत्म कुरान की तकरीब की वीडियो शेयर की है, जिसमें वो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तलावत कलाम पाक की सआदत हासिल कर रहे हैं। उनकी हिफ्ज कुरान करने की इस काविश को उनकी फैमिली ने और उनके खानदान ने खूब सराहा है और उनको मुबारकबाद दी है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ नई आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।